गुड मॉर्निंग 11th क्लास, आप लोगों को आईपी का चैप्टर नंबर 3rd स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 2nd तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। चैप्टर नंबर 3rd है जो आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्या होती है आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस व्हिच गिव्स द रिजल्ट और आउटपुट टू द यूजर्स। क्या करेगी? जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसे यूजर को प्रोवाइड करना या रिजल्ट देना आउटपुट कहलाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या होगा? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब जैसे इनपुट डिवाइस में हमने हर क्वेश्चन के लिए पहली लाइन क्या फिक्स की थी कि यह है एक इनपुट डिवाइस है, किसी भी डिवाइस का पूछा। ऐसे आउटपुट डिवाइसेस में जितनी भी डिवाइसेस है वो किसी होगी? आउटपुट डिवाइसेस। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब बेसिकली होता क्या है, मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ये क्या करता है? ग्राफिक्स के फॉर्म में आपके डेटा को शो करता है, मतलब जो भी रिजल्ट आया उसे कैसा दिखाएगा? ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स को समझने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं चित्रों और वीडियो के माध्यम में। चित्रों के माध्यम से अगर कोई चीज दिखाई जाए तो उसे हम ग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स के रूप में या चित्रों के रूप में आपके डेटा को दिखाने वाला जो उपकरण होगा वो क्या होगा? मॉनिटर, ठीक है, एक आउटपुट डिवाइस। इसमें आपको जो एक्सप्लेन किया है कि इसका पहले नाम VDU था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अभी भी उसको VDU बोल सकते हैं, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका यूज किया था। सबसे पहले जो इसमें यूज हुए थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। जो टीवी पिछले पहले के जमाने में टीवी ऐसी बड़ी होती थी ना, पीछे से ऐसे स्क्रीन तो यहाँ इतनी सी होती थी और इतनी बड़ी टीवी होती थी, इसको हम बोलते थे CRT। क्यों? क्योंकि इसमें कैथोड रेस का यूज किया जाता था। ऐसी एक पैनल होती थी जिसमें इधर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट करते थे, एक गन होती थी इलेक्ट्रॉन गन, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करते थे तो ये जाकर स्क्रीन पर टकराते थे और जहां ये टकराते थे वहां पर फ्लैश होता था, ठीक है। यहाँ पर फास्फोरस की एक स्क्रीन बनी होती थी, उस पर टकराते थे इलेक्ट्रॉन तो वो फ्लैश होने लगता था। तो इस तरीके से उसके कॉम्बिनेशन से आपके चित्र या ग्राफिक्स को आपके मॉनिटर पर दिखाया जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आया उसका नाम था, ये आपकी बुक में मॉनिटर के प्रकार में पहला LCD दिया है, दूसरा CRT। तो CRT में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो आपका है मॉनिटर में LCD। LCD क्या होगा? LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोग ये नाम नोट करते जाएं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, और LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप इनके फुल फॉर्म याद रखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और CRT। इसमें एक TFT वर्ड और यूज हो रहा है, जो LCD होता है उसी में एक और होता है LCD TFT। का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक। अब बात करते हैं, सबसे पहले CRT तो आपने समझ लिया, अब नेक्स्ट LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल बने होते हैं सिल्वर नाइट्रेट के, और इनके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, उन क्रिस्टल्स को आपस में जोड़कर एक स्क्रीन तैयार करते हैं। तो जो आपके सिग्नल्स होंगे वो कैथोड रे ट्यूब में पहले इलेक्ट्रॉन गन यूज होती थी, लेकिन यहाँ पर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूज होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब इसमें सिग्नल्स को भेजते हैं तो एक डायरेक्शन से देखने पर इसमें आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगी, सीधा सामने अगर आप स्क्रीन के सामने होंगे तो ही आपको इसमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देने लगती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आजकल LCD TFT मॉनिटर का यूज होने लगा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है आपकी मॉनिटर के बाद प्रिंटर। सभी ने देख रखा होगा प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, आपके कंप्यूटर के डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलती है। अब मुझे समझा है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, क्या डिफरेंस होगा दोनों में?
सॉफ्ट कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज जो कि कंप्यूटर पर रखी अगर हो, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर अगर सेव हो तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और अगर वो पेज पर प्रिंटआउट के फॉर्म में आ जाए, जैसे टेंथ का रिजल्ट आपका जो आता है तो क्या करते हैं, टेंथ का रिजल्ट जो स्क्रीन पर दिखता है, देख लिया रिजल्ट घर आ गए, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर उसका एक प्रिंटआउट निकालवा कर ले आए, पेज पर लिखा हुआ लेकर आ गए, तो वो कौन सी कॉपी है, हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, ठीक है। इसलिए प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बारे में बात करें कि प्रिंटर के प्रकार क्या क्या हैं, तो आपके बुक में जो दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, ठीक है। कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब ये तीनों प्रिंटर्स क्या होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज होते थे। ये टाइपराइटर की तरह काम करते थे, जिसमें पिन पिंच करती है, आपके डॉट बनाती है। तो जब डॉट के फॉर्म में आपका डेटा प्रिंट होता था, पिन लगी होती थी, जो पिन डॉट बना बनाकर, जैसे कि मैंने डॉट का यूज किया और इस तरीके से मैं कोई अल्फाबेट लिख सकता हूँ, तो ऐसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन के थ्रू डॉट लगाकर उनके मदद से जो रिबिन होता था उसके ऊपर डॉट लगते थे और उसके कारण आपका जो डेटा है वो प्रिंट होता था, आपका मैसेज प्रिंट होता था, इसीलिए उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। इन प्रिंटर्स की स्पीड होती थी 50 से 500 CPS, 50 से 500 CPS कैरेक्टर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते थे, 50 से लेकर 500 तक, ठीक, ये स्पीड होती थी। नेक्स्ट इसके बाद जो आपके प्रिंटर आए, डैश जेट प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर या बबल जेट, तीन नाम इसके, डैश जेट, इंक जेट या बबल जेट। इसमें क्या होता है कि जो इंजेक्ट, आपने वर्ड सुना इंक जेट, मतलब जो इंजेक्ट करते हैं ना, जैसे स्प्रे करते हैं, तो ऐसे ही इसमें स्प्रे होता है। इसमें जो आपका पेपर है उस पर स्प्रे किया जाता है, तो जो आपका कलर है वो कलर, जो रंग, जो आपकी इंक है वो कलर्स के फॉर्म में यूज होती है, और जैसे ही इंक जेट के थ्रू उसको स्प्रे करते हैं तो जाकर पेज पर चिपक जाती है, ठीक है। ये बेसिकली CMYK इन कलर का यूज करता है, ठीक है, सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक, इन कलर्स का यूज़ करता है, और इसकी ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर करके और उसे छिड़काव, मतलब स्प्रे करता है और जल्दी सूख जाए, ऐसी इसमें इंक यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होगा, इन दोनों से डिफरेंट, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रांसमिट की जाती है, बराबर इन्हीं किरणें होती है जिनकी मदद से पेपर को मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, पेपर को चार्ज कर दिया जाता है, और उसके ऊपर जो जो भी है लेज़र के थ्रू उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। इस तरीके से किसी पेपर पर प्रिंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो गया, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर इसमें यूज होता है, जिसमें इन प्रिंटर्स की लैंग्वेज पहले से, इनके सॉफ्टवेयर पहले से डाला होता है, एक एप्लीकेशन पहले से कंप्यूटर में डली हुई होती है, जिसकी मदद से इन्हें हम एक्सेस भी कर पाते हैं, चला भी पाते हैं, ठीक। इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर को यूज किया जाता है। अब प्रिंटर के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉट। प्लॉट मतलब स्पेस और उस पर बनाना, प्लॉटर, ठीक है। एक पेज होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा फ्लैट, क्षैतिज में आड़ा ऐसा पेज होता है, उस पेज पर पेन को या हैंड को मूव करते हैं, उस हैंड पर पेन लगे होते हैं, कलर्स के पेन लगे होते हैं, तो जब आप उसे मूव करते हैं तो उसके मूवमेंट के थ्रू उस पेज पर एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लॉटर, ठीक। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है, जिसमें ड्राइंग बनाने में इसकी हेल्प से नक्शे या डिज़ाइन बनाई जा सकती है, ठीक है। आप बात करते हैं प्लॉटर के टाइप, तो प्लॉटर के दो टाइप्स दे रखे हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड स्कैनर हमने पढ़ा था, फ्लैट पेपर रखा होता है उसके ऊपर, तो वैसे ही प्रिंटर भी क्या है, एक ऐसा फ्लैट बेड प्लॉटर होता है जिसमें आड़ा
छपा रहता है उसके ऊपर, पेन रहता है उसके ऊपर लिखने के लिए हेल्प करती है, उसके थ्रू डायग्राम बना देते हैं। बट इसी की बजाय अगर हम बात करें ड्रम प्लॉटर की, तो उसमें क्या होगा, फ्लैट वेट में पेपर फिक्स रहता है, पेन मूव होते हैं, और ड्रम प्लॉटर में पेपर घूमता है, बीच में एक पहिया होता है वो घूमते रहता है, उसके साथ आपका पेज भी घूमेगा, और पेन फिक्स रहता है, वो पेन उसके ऊपर राइटिंग का वर्क करता है। ठीक, इसी तरीके से फ्लैट वेट प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर दो तरीके के होते हैं। अब नाउ लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या होता है, स्पीकर्स पेरिफेरल डिवाइस, बाहर से जोड़ी जाने वाली ऐसी डिवाइस है जिसमें पेरिफेरल हार्डवेयर बोल रहे हैं, पेरिफेरल मतलब बाहर से जोड़ी जाने वाली, हार्डवेयर मतलब जिसे देखा जा सके। तो पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपके कंप्यूटर से आने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव में बदल देती है। ठीक है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, उनको साउंड में, आवाज में बदल देती है। तो साउंड वेव में बदल कर हमें कुछ ना कुछ सुनाई देता है, इसलिए स्पीकर का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है, पीछे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें मैग्नेटिक कॉइल और एक रॉड, ये कॉइल होती है, इस कॉइल के ऊपर अदर धातु की कॉइल लगा देते हैं, अदर मेटल कॉइल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दिया कॉइल, जो क्या करती है, मैग्नेट वाइब्रेट बनाती है। ठीक है, कॉइल मैक्स मैग्नेट वाइब्रेशन, मतलब चुंबकीय जो वाइब्रेशन होते हैं वो इसके कारण होते हैं। फिर इसके ऊपर इसे पकड़ करने के लिए, कवर करने के लिए एक और हैंडल होता है जिसे नाम दिया हुआ है मैग्नेट अटैच्ड टू कोन। क्या हुआ, आपका मैग्नेट जो है वो कोन से अटैच है, कोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके साथ आपका कोन से जुड़ा, कोन क्या है यहाँ पर, तो कोन में जो बता रहा हूं ये एक डायफ्राम, पर्दा लगाने के लिए, डायफ्राम के लिए यूज होता है। क्या होता है, इसके अंदर वाइब्रेशंस को इनहांस बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पीकर में ये जो प्लेस है, इसको क्या बोलते हैं, कोन वाइब्रेट्स एंड मैक्स साउंड, यहाँ पर आपके क्या होंगे, साउंड प्रोड्यूस होंगे। जो आपका पर्दा या डायफ्राम वाइब्रेट करता है उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है एक बार फिर से सुन लें। जब आपके कंप्यूटर से आने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ आते हैं, तो इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के पास होने पर ये जो यहाँ चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पर एक चुंबक लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के आने पर ये चुंबक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन सा बनाएगा, विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिकल एरिया बना देता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चुंबक ने जो बनाई वो मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिसिटी ने बनाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र और, हिंदी में बोले तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों की आपस में क्रिया के कारण, आपस में रिएक्शन के कारण ये जो डायफ्राम होता है, ये पर्दा होता है, ये पर्दा आगे पीछे मूव करता है, मतलब अट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, आकर्षण एंड प्रतिकर्षण। जब ये पर्दा चिपकता है या बाहर जाता है, तो इनके आगे पीछे होने के कारण यहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड हमें सुनाई देता है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो गया, साउंड, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करने का वर्क कौन करता है, स्पीकर करता है। ठीक, यहीं पर आपको स्पीकर का क्वेश्चन और डायग्राम बनाना है, इसके ये वाला डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, इस तरीके से स्पीकर वर्क करता है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट होता है, आउटपुट डिवाइसेस। इसमें जो भी डिवाइसेस हैं, इसके अलावा और भी डिवाइसेस होती हैं, बट मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइसेस है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। ठीक है, इन सारी डिवाइसेस का यूज हम एज अ आउटपुट डिवाइस करते हैं।
इन डिवाइसेस का मेन सबसे पहली लाइन फिक्स क्या होगी कि ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। और स्पीकर में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस। पेरिफेरल मींस जो बाहर से ऐड की जाती है, तो बाहर से ऐड होने वाली डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। तो कुछ ये पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस इसमें अटैच होती है, जिनको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थैंक यू क्लास।